हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फिश फ्राई बिल्कुल अलग मसालों के साथ। तो चलिए हम अपने मसाले देख लेते हैं। जीरा और काली मिर्च ले लिए, ये सरसों है काली सरसों, ये धनिया है साबुत धनिया, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बस ये देखिए, हम सारे मसाला को अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। बस इन सबको हम इसमें, हम अपनी मछली को अच्छे से धुल के साफ़ कर लिए, ये मसालों को इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोट करने के लिए। मैं यहाँ लहसुन की जगह लहसुन की पत्ती को डाली हूँ, इसलिए मसाला हरा हरा लग रहा है। बस इन सब मसालों से अच्छे से मछली को कोट कर देंगे और थोड़ी देर रख देंगे मैरिनेशन के लिए। बस इसी तरह मिलाते हुए हमें अच्छे से कोट कर लेना है। हमारा मछली मैरिनेट हो गया है। देखिए ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हमें इसमें डाल देना है। बस हम सभी मछलियों को इसी तरह ऑयल में एक एक करके डाल देंगे धीरे धीरे से। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। बस हमें इसी तरह से धीरे धीरे से डाल देना है। गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, वरना ये जो है जल जाएगा। बस हम सारी मछलियाँ इसमें डाल दिए। बस हमें धीमे आंच पे इसी तरह से धीरे धीरे से पकने देना। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं, वरना ये बिना ढके भी अच्छे से पक जाती है। बस हम इसे धीरे धीरे से पलट लेंगे सारी मछलियों को अच्छे से। बस हमें इसी तरह सारी मछलियों को पलट लेना है। ये सरसों वाली मछलियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बस हमें इसी तरह से पलट लेना है। बस अब हम इसे थोड़ी देर इधर से भी सिकने देंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा मछली अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से पलट पलट के थोड़ी देर और सेक लेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारी मछली अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे सारी मछलियों को किनारे करके। पहले थोड़ी सी ऑयल को अच्छे से नीचे गिर जाए, फिर हम सारी मछलियों को निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह और मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। बस इसी तरह हमें इस मछली को भी अच्छे से उलट पलट के गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए हमारा हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।